एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ, एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात, जयदेव पटेल के साथ नंबर वन इंडिया न्यूज पर रात। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव पटेल, आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास हमारे महाराष्ट्र के एनडीआरएफ कमांडेंट अनुपम श्रीवास्तव। अनुपम श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। अनुपम श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस समय एनडीआरएफ की कितनी टीमें काम कर रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में? महाराष्ट्र में जो बाढ़ की स्थिति थी अभी कुछ दिन पहले, उसके मुकाबले आज के डेट में बाढ़ की स्थिति काफी सुधर चुकी है और थोड़ी बहुत जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें भी बहुत कम है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा पानी का जलभराव यानी कि जलभराव बना हुआ है और वहां पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी जलभराव की स्थिति नहीं है, स्थिति सामान्य होती जा रही है। जहां तक टीमों का प्रश्न है तो हमने इस बाढ़ की आपदा के दौरान 34 टीमें लगाई थी, इसमें से कि 18 टीमें महाराष्ट्र थी और बाकी टीमें बाहर से आई थी। 16 टीमें हमने भुवनेश्वर, बड़ौदा और कलकत्ता से मंगाई थी। तो अभी आज की डेट में मात्र 18 टीमें ही रह गई हैं, इसमें से अगर आप देखें तो 6 टीमें कोल्हापुर में है और 4 टीमें सांगली में है, तो 10 टीमें यहीं पर है, बाकी 3 मुंबई में है। तो इसका मतलब बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से या तो निकल चुकी है या एक या दो दो टीमें रखी हुई है और स्थिति पर नजर बनाए रखी हुई है अभी तक हमने। जी अनुपम श्रीवास्तव जी, इस समय किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है वहां आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करने में? अभी तो हमको ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुए थे तो हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पहली दिक्कत तो ये थी कि जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का या कोल्हापुर है या सांगली है, इन सभी में टीमें डिप्लॉयड करने में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि जो भी अप्रोच रोड्स थी, एक्सेस रूट थे, वो सभी ब्लॉक थे और हम किसी भी तरीके से उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो हमने उस डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ से डूबे हुए इलाके थे उनमें जाने के लिए दो तरीके अपनाए। पहला तरीका तो हमने बोट्स के थ्रू, अपनी जो हमारी नावें हैं उसके थ्रू टीम्स को अंदर भेजा, और दूसरा तरीका ये था कि हमने उनको एयरलिफ्ट करा के सीधा डिस्ट्रिक्ट या सिटी के अंदर हमने उनको लैंड करवाया। इन दो तरीकों से हम टीमें पहुंचा पाए, तो उस टाइम ये एक दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत जो हमको मेन आ रही थी वो ये थी कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से कि सभी लैंडलाइन कनेक्शन थे और जो मोबाइल टावर थे वो डाउन हो चुके थे, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी का इशू बहुत बड़ा इशू बन गया था। आप अपनी टीम में तो खैर वायरलेस कम्युनिकेशन सेटअप से कम्युनिकेट कर लेते हैं, परंतु डिस्ट्रेस कॉल हमने रिसीव कर पा रहे थे। आपको ये नहीं मालूम चल पा रहा था कि कौन कहां पर ट्रैक है, कौन कहां पर फंसा हुआ है, किसको जरूरत है, किसको मदद की जरूरत है, तो उस वजह से ये आपको दिक्कत आ रही थी। तो हमने लोकल गाइड्स लेके उन इलाकों में हम पहुंचे जहां पर लोग फंसे हुए थे। और इसके अलावा जो तीसरी दिक्कत थी वो ये थी कि लगातार बारिश होने से हमको काम करने में काफी दिक्कतें आ रही थी वहां पर पहुंचने में, और रास्ते खराब हो गए थे, जलभराव हो गया था, मिट्टी जो थी दलदल का रूप ले चुकी थी, इन सब वजह से बहुत परेशानी आ रही थी। जैसे कि एक इलाका हमारे बेस से 15 किलोमीटर मात्र दूर था, परंतु वहां पर जाने वाला जो एकमात्र पुल था वो ढह चुका था, तो हमको 45 से 50 किलोमीटर घूम के उस इलाके में जाना पड़ा। तो ये सब दिक्कतें हमको पहले आई थी, परंतु आज की तारीख में आपको इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आ रही, स्थिति काफी सामान्य हो चुकी है। जी अनुपम श्रीवास्तव जी, कब तक सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा और अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, इसका अगर कोई आंकड़ा आपके पास हो जो आप बता सको? अब जहां तक लोगों को इवैक्यूएशन और रेस्क्यू की बात है तो अभी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू का काम तो खत्म हो चुका है जी। अभी क्योंकि जल भराव इतना नहीं है कि लोग उसमें फंसे हुए हों, लोग आ जा रहे हैं, सड़कें चालू हो गई हैं और जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर भी बहुत थोड़ा सा पानी है, घुटने घुटने पानी है, उसके अलावा कहीं पर पानी नहीं है। तो रेस्क्यू वाला या इवैक्यूएशन वाला काम अभी खत्म हो गया है क्योंकि तो सभी लोग अपने घरों में लौट चुके हैं, जिनके घर हैं, जिनके घर डूबे हुए थे, परंतु जिनके घर ढह गए हैं, जिनके घर टूट गए हैं, वो सारे लोग शेल्टर होम्स में हैं
और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, वहां से एनडीआरएफ ने और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जरूरत का सामान मुहैया कराया गया है। हमारी तरफ से भी डिग्निटी किट हुए, ब्लैंकेट्स हुए और प्लास्टिक शीट्स हुई, ये सारी चीजें हमने मुहैया करवा रहे हैं। और उसके साथ ही बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट है, वो सब खाना पानी वगैरह सब उनको दे रहे हैं। तो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू का काम तो खत्म हो गया है। आज की डेट में सभी लोग या तो अपने घरों में है या शेल्टर होम्स में है। और ये काम खत्म होने की बात है जहां तक, तो काम तो अभी मुझे लगता है कि जो पुनर्वसन का काम है ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें समय लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत है, हमारी तरफ से भी जो मदद बन सकती है वो हम दे रहे हैं। और मुझे लगता है 2 महीने में ये सब चीजें फिर से सेटल हो जाएंगी। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं या पानी में बह गए हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, और अभी जहां इनके रुकने की व्यवस्था की गई है वो जगह कितनी सुरक्षित है, अगर दोबारा बारिश तेज आती है तो वैसे वो कितने सुरक्षित खुद को महसूस कर सकेंगे? देखिए, इसमें जो शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं वो जाहिर तौर पर ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जो थोड़े ऊंचे स्थान होते हैं या जहां पर पानी पहुंचने की संभावना बहुत कम हो। अगर कोई ऐसी ही बाढ़ आ जाए जो कि पहले अनप्रेसिडेंटेड हो, कभी बहुत ज्यादा, तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मल जैसे अभी आई थी या जैसे 2019 में बाढ़ आई थी कोल्हापुर में, उसमें भी जो शेल्टर होम्स बनाए गए थे वो ऊंचे स्थान पर थे जहां पर पानी का जल भराव होना असंभव था। तो ऐसी जगहों पर शेल्टर होम में लोग रुके हुए हैं, जरूर तकलीफ में है क्योंकि उनका घर टूट गया है, घर बह गया है। अपने घर में रहना हमेशा आरामदायक रहता है, परंतु ऐसे स्थानों पर हमारी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सुविधाएं या जो भी मदद की जा सकती है वो हम कर रहे हैं। उनका दर्द का तो खैर हम उतना ज्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि किसी का घर बह गया, पूरा घर बर्बाद हो गया, जीवन की कमाई चली गई है, उसमें तो हेल्पलेस है हम लोग। परंतु फिर भी जितनी संभावना हो सकती है हमको मदद करने की उतनी हम कर रहे हैं। और जहां तक उनके पुनर्वसन की बात है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं और उनके पुनर्वसन के लिए घोषणाएं स्टेट सरकार की तरफ से हो चुकी है और शीघ्र ही उस पर काम शुरू होगा। जी अनुभव श्रीवास्तव जी, आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।